स्वागत है आपका मेरे दोस्तों मेरे चैनल पे, जो आज हम आ गए हैं साकेत टीवी अनुपम पे। आज जरा मूवी का प्लान बन गया था, देखे कि कौन सी मूवी चल रही है, तो आज हम देखने आए हैं मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज की 2023 जो फर्स्ट पार्ट है। सो इधर आके हमने देखा कि काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, लग्जरी है पूरा ये थिएटर, और सारे बहुत सारे मूवीज़ के पोस्टर्स लगे हुए हैं, लोगोस लगे हुए हैं कि कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी मूवीज आई थी, पैसन ऑफ क्राई, चक दिन। स्पेशली यहाँ के काउंटर्स बहुत क्लीन है, मैंने अभी देखा, आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्लीन हैं। लेकिन मुझे यहाँ का थिएटर अच्छा ही लगा, साउंड भी अच्छा ही लगा मुझे, और पर्दा बहुत ज़्यादा छोटा ऑडियंस के लिए का, तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओवरऑल मुझे साउंड ओके लगा, ठीक ठाक ही लगा, पर्दा बहुत छोटा है, बहुत छोटा थिएटर है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि उसको जाके दोबारा मैं मूवी देखने जाऊँगा। लेकिन यही है, हिंदी में से नहीं लगी थी साउथ दिल्ली में, तो तभी मैं आया और देखा यहाँ पे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं अगली बार यहाँ मूवी ना देखूँ। ये टॉम क्रूज की मूवी थी, इसलिए मैंने देखने के लिए आया था, क्योंकि टॉम क्रूज है 60s की एज में, और क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओवरऑल मूवी ख़त्म हो गई, अब सीधा हम चले गए, तो कुछ खाने के लिए भूख लग गई थी, तो सीधा हम चले गए हल्दीराम में खाने के लिए, जो अनुपम पे बना हुआ है। काफ़ी क्लीन है ये भी, बहुत अच्छा बना हुआ है, नया बना है, और इसके स्टेयर्स पे हैं, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, घिचपिच नहीं है, क्लीन है यार, अच्छा है। अच्छी डेकोरेशन है इसमें, बहुत अच्छी डेकोरेशन बना रखी है, काफ़ी अच्छा मन कर दिया है पहले से ज़्यादा। तो भूख लग गई थी, सोचा कि कुछ खाया जाए, तो लेट्स ट्राई राज कचौड़ी, सोच रहे थे हम खाएंगे। मेन्यू है ये पूरा हल्दीराम का, सो लेट्स ईट समथिंग, खाया जाए कुछ। चलो राज कचौड़ी मैंने ले ली थी, कोल्ड कॉफ़ी तो पी ली थी ऑलरेडी, अब इसको देखा जाए ये कैसे बनाते हैं, खा के देखा जाए कि कैसा बने। बहुत साल हो गए मैंने खाया नहीं है, तो बहुत साल बाद हम लोग खा रहे हैं राज कचौड़ी। मेरे टाइम में जब हल्दीराम जब खुला था गाइस, तो उस टाइम से 35 रुपीज़ की थी ये राज कचौड़ी, आज 170 की हो गई है, धीरे धीरे इसके प्राइस बढ़े थे, तो ओवरऑल अब देखते हैं टेस्ट में भी बदलाव आता है या वैसे ही टेस्ट है। अब देखते हैं ये कैसे बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। वैसे स्टफिंग तो अच्छी कर रहे हैं, कर्ड भी अच्छा डाला है इन्होंने, आई थिंक सो अच्छा टेस्टी हो ये। चलो गाइस ये तो रेडी हो गया, चलो इसको खाया जाए कैसा बना है। गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टफिंग करी है, क्या क्या लजीज लग रहा है देखने में, खाने में, और अच्छा भरा हुआ है, देखो खाने में भी अच्छा लगेगा, ये तो बिल्कुल टेस्टी था, मैंने खाया था, तो मज़ेदार भाई मज़ेदार। सो गाइस आइए इसे खाइए, ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको ये।